नमस्कार, न्यूज टाइम्स के तमाम दर्शकों को महाअष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। मैं हूं रूही और आगे बढ़ने से पहले चलिए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य खबरों पर। शहर का मौसम बदला, तेज हवा और बारिश शुरू, पाइलिंग तूफान को लेकर हर तरफ चर्चा, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। झारखंड के मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एसडीओ से आपदा से निपटने की तैयारियों पर चर्चा की। और माँ दुर्गा की अर्चना में चारों दिशाएं सराबोर, हर तरफ जय जयकार। अब खबरें विस्तार से। हर तरफ पाइलिन चक्रवात का जिक्र है, झारखंड में भी तेज बारिश का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग ने भी लोगों को सतर्क रहने की हिदायत दी है। पाइलिन तूफान के विषय में बताया जा रहा है कि अब तक के तमाम चक्रवातों की तुलना में सबसे ताकतवर है और सबसे ज्यादा तबाही मचाने वाला है। जमशेदपुर मौसम विभाग ने भी लोगों को सतर्क रहने की सलाह देते हुए कहा कि झारखंड में भी तेज बारिश होगी। विभाग के अधिकारी गणेश प्रसाद ने कहा कि लोग प्रिकॉशन लेकर चले और तेज हवा भी चलेगी। रात से हिट कर जाएगा, आज रात से। कल मैंने आपको हैवी रेन हो जाए, कल रात में भी हो सकता है। अच्छा, और क्या पोजीशन है सर? अभी तो उड़ीसा कोस्ट में है। झारखंड में क्या स्थिति रही सर? झारखंड का ही बोल रहे हैं। ऐसे तो अभी का नाम जनरली मैंने 6 knot, 8 knot, 10 knot, 50 चल जाएगा। वहीं दूसरी ओर पाइलिन तूफान को लेकर हर तरफ चर्चा है। शहर में भी तेजी से बदल रहे मौसम को देखते हुए आम लोग इसे चक्रवाती तूफान की दस्तक मान रहे हैं। पाइलिन तूफान की चर्चा हर तरफ है। शहर में लोगों में जोरदार चर्चा है कि क्या यहां भी आंध्र प्रदेश व उड़ीसा की तरह असर होगा या सिर्फ बारिश होगी। हालांकि शहर का मौसम तेजी से बदल रहा है, हवा की तीव्रता भी बढ़ गई है और दोपहर बाद बूंदाबांदी भी शुरू हो गई। न्यूज टाइम्स ने लोगों से प्रतिक्रिया ली तो मिश्रित प्रतिक्रिया सामने आई। अधिकांश लोग तूफान या चक्रवात की फिक्र नहीं बल्कि पूजा घूमने में बाधा आने को लेकर चिंतित दिखे। तूफान आने वाली है ना? में है हम, खाना वाना एकदम पीना आराम हो गया है, मेरा डर लगा हुआ है। कब आने वाला? आज आने वाली। कहाँ से? उड़ीसा से। क्या पता चला आपको? पता चला कि बहुत जोर आंधी तूफान आने वाली है, ट्रेन वहीं रुकी हुई है, मदद के लिए भी बहुत हुई है। चिंतित में है हम, क्या होगा पता नहीं। घर है? घर ही मरीन ड्राइव में। यहाँ है हम लोग करीब 15-17 साल से हैं। अभी समझ ये नहीं आ रहा ना कि परिवार को लेके अब जाए कहाँ, समझिए कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस तरह से पेपर में पढ़ रहे हैं, बराबर इस तरह से सुनने में आ रहा है, क्या करें हम लोग बताइए। देखिए पिछले बार जो पानी नहीं आया पूरा घर डूब गया था, अभी गरीब आदमी हम लोग कहाँ जाएं, इसीलिए हम लोग अपना सामान वन बाहर निकाल के हैं। तूफान आ लिया सैलिन, हम तो जाने वाले थे गांव, बट ट्रेन वगैरह सारा कैंसिल हो गया। पूरा परेशान है, पूरा फैमिली मेरा वहाँ है, देखिए आगे क्या होता है, पूरा परेशान है, क्या करें। आज सुबह का था। कौन सा ट्रेन था? संपत क्रांति। क्या पता चला आपको? पता चला कि कैंसिल है ट्रेन, पूरा डरे हुए, पता नहीं, सारा फैमिली मेरा वहाँ पे है, आगे क्या होगा अब देखिए। उधर झारखंड के मुख्य सचिव ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एसडीओ प्रियरंजन से आपदा से निपटने की तैयारियों पर चर्चा की। पाइलिन चक्रवाती तूफान के मद्देनजर हर तरफ हाई अलर्ट है, झारखंड सरकार ने भी तैयारियों पर समीक्षा की है। शनिवार को राज्य के मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एसडीओ प्रियरंजन से बातचीत की। उन्होंने भारी बारिश व आपदा की स्थिति में उससे निपटने के लिए तैयारियों की जानकारी व अपडेट लिया। प्रशासन अलर्ट है और लोगों को भी अलर्ट करने का प्रयास कर रहा है। प्रशासनिक तैयारियों के रूप में हमने कुछ रिजर्व वाहनों की व्यवस्था की है, जो हमारे पहले से लो लैंड एरियाज हैं उनके लिए जो रेस्क्यू सेंटर मार्क्ड हैं ऑलरेडी पहले से, उन सब पे कंसर्न ऑफिसर को कहा गया है कि वो उनको रेडी कंडीशन में रखें ताकि हम जल्दी शिफ्ट कर सकें स्थिति अगर गंभीर हुई तो। जो
हॉस्पिटल्स हैं हमारे एरिया में, इवन प्राइवेट नर्सिंग होम तक, हमने उन्हें आवश्यकता पड़ने पे इमरजेंसी सर्विसेज के लिए तैयार रहने का डायरेक्शन दिया है। सभी वीडियो सीओ ऑफिसर इंचार्ज को बताया गया है कि वो अलर्ट रहें, लोगों को अलर्ट करें। हमारा जो सूचना एवं जनसंपर्क विभाग है लोकल, वो माइकिंग भी कर रहा है। लोगों को सलाह दिया गया है कि वो मौसम के हिसाब से ही अपना कार्यक्रम बनाएं। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। रामकृष्ण मिशन में दुर्गा पूजा का अलग ही महत्व है। लोग दूर दूर से यहाँ पूजा अर्चना में भाग लेने आते हैं। शनिवार को यहाँ कुमारी पूजा भी की गई। रामकृष्ण मिशन में हर वर्ष दुर्गा पूजा में भाग लेने दूर दूर से लोग आते हैं। शनिवार को पूजा अर्चना के बाद यहाँ कुमारी पूजा का आयोजन हुआ। साधक समाज में इनको माता का रूप में ही देखने को पसंद करते हैं, इसीलिए हम कुमारी को सिलेक्ट करके उनका माता का लिविंग फॉर्मेशन में पूजा करते हैं। सुनारी राम मंदिर पूजा प्रांगण में ध्यान में लीन जुड़वा बुजुर्ग को देखने लोग उमड़ रहे हैं। दरअसल वो जुड़वा नहीं बल्कि इनमें से एक मूर्ति है। ये अद्भुत कलाकृति की मिसाल है। सुनारी राम मंदिर पूजा पंडाल के पास ये बुजुर्ग लोगों के आकर्षण का केंद्र है। सीताराम नामक बुजुर्ग दरअसल राम मंदिर में गार्ड का काम करता है। पुरुलिया के कारीगर विरंची पाल ने सीताराम के हुबहू प्रतिमा तैयार किया है। विरंची पाल को उसकी कला के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। अब ये बताना बड़ा कठिन है कि दोनों में असली कौन है। चलिए इसका खुलासा हम ही कर देते हैं कि बाई ओर असली सीताराम बैठे हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद खबरों में फिर से आपका स्वागत है। टाटा मुख्य अस्पताल के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर शनिवार को टाटा वर्कर्स यूनियन के महासचिव बीके डिंडा से मिले। अपनी मांगों को लेकर टाटा मुख्य अस्पताल के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी पिछले कुछ समय से आंदोलनरत हैं। शनिवार को उन्होंने टाटा वर्कर्स यूनियन के महासचिव बीके डिंडा से मिलकर अपनी मांगे रखी। बीके डिंडा ने उन्हें मदद का आश्वासन दिया है। जस्ट ये लोग बोनस पर डिमांड था, बोनस का डिमांड हुआ, बात हुआ, बोनस मिला, सारे कर्मचारी खुश हैं। और शहर के विभिन्न पूजा पंडालों में महाअष्टमी की पूजा के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। हर तरफ चहल पहल व मेले का वातावरण व्याप्त है। शहर के विभिन्न मुख्य पंडालों में महाअष्टमी की पूजा के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। हर तरफ चहल पहल व मेले से वातावरण व्याप्त है। शहर में महाअष्टमी की धूम रही। हर पूजा पंडाल में भक्तों एवं दर्शनार्थियों की भीड़ उमड़ पड़ी है। विभिन्न पंडालों की साज सज्जा व विद्युत सज्जा देखने लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। सड़कों पर भी वाहनों की कतार लगी है। उधर बेल्डी कालीबाड़ी में महाअष्टमी की पूजा अर्चना व पुष्पांजलि दी गई। चंडीपाठ में सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। हम लोग खाता से फूल लेके माँ के चरण दे देंगे और माँ जी के पूजे का आशीर्वाद।
और कांसीडी पूजा पंडाल में तो इतनी भीड़ रही कि तिल तक धरने का स्थान नहीं था। बच्चे जवान सभी झूलों का तथा व्यंजनों का आनंद लेते रहे। दूसरी ओर रामलीला में भी सैकड़ों लोगों ने रुचि दिखाई। एक का नाम राम, एक का नाम लक्ष्मण। लगन हे भाई जो लड़के राम लगन इस दंड रूपन में आए। आदित्यपुर जयराम स्पोर्टिंग द्वारा निर्मित भव्य पंडाल का हर तरफ जिक्र है। यहां लोग कतारों में दर्शन के लिए आ रहे हैं। पंडाल की सबसे बड़ी खासियत है कि बहुत बड़ी पंडाल है, बहुत अर्च है, बहुत ही घुमावदार है। उसको बनाना बहुत बड़ा चैलेंजिंग था, उसको हम लोगों ने चैलेंज कर दिया और उसको काम करवाया और हमको लगता बहुत हद तक हम लोग सफल रहे। इसमें सैंड का व्यू दिया गया है कि बालू से ही पूरी पंडाल की निर्माण हुई, वो एक दिखाई पड़ता है, हमको लगता अपने आप में काफी सुंदर। कितनी लागत आई है सर? लागत हम जोड़ेंगे 15-20 लाख रुपए की लागत। पंडाल स्पेशल कुछ खास है? उसके बाद पंडाल के अंदर का जो काम है वो जो है राजमहल जैसा अंदर में, वो नक्काशी बहुत बढ़िया काम किया है लोग। माँ की मूर्ति काफ़ी अच्छी बनी, बैकग्राउंड अच्छा बना और ऐसे करके ओवरऑल हम लोगों ने इसको अच्छे सुंदर ढंग से। ये इंग्लैंड की टेंपल है, वहाँ पे शेक्सपियर से जुड़ा हुआ ये टेंपल है और इसीलिए बगल में शेक्सपियर की एक मूर्ति देख रहे होंगे और ये उसमें कई किताब में इसका जिक्र है जो नेट से निकाला गया है, उसके बाद इसको हम लोगों ने बनाया।